ई सिलेबस अभी नहीं है बुक होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जिसको मेथड्स बोलते हैं वही पेडागोजी है तो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में पहला पॉइंट देखो ये चीज का नोट्स मिल चुका है ग्रुप में होगा एंड आज आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट 119 119 पीडीएफ दिया हुआ है पीडीएफ अन कुछ पिक्चर्स है मिल गया सबको कंप्लीटली डाउनलोड कर लेना अगर डाउनलोड नहीं हो उसको डाउनलोड कर लो बिकॉज फर्दर क्या होता है ना मैं उसको डिलीट करूँगी फुल हो रहा है तो उसको मैं डिलीट करूंगी डाउनलोड करके रखो ठीक है वो अभी है टेलीग्राम में बट टेलीग्राम से आप लोग कलेक्ट नहीं कर सकते सो so दैट मैं इसको बोलती थी ना आप लोगों को मैं शेयर करूंगी तो शेयर कर दिया आज तो उसे चेक कर लेना डाउनलोड कर लेना एंड ऑलमोस्ट हंड्रेड और नाइनटीन ट्वेंटी होगा पीडीएफ सारा डाउनलोड करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करते हुए पढ़ाई करोगे ठीक है एंड प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट भी दे दूंगी पढ़ने के लिए ठीक है अभी देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है साइंस फिजिकल साइंस अच्छा तो साइंस हम लोग पढ़ चुके हैं साइंस के ऊपर मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया था ठीक है साइंस कॉमन था इसलिए साइंस के बारे में बताया गया था डिटेलली देन फिजिकल साइंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया एंड उसका मीनिंग नेचर स्कोप इंपॉर्टेंस हम लोग कर चुके हैं सेकंडली ये चीज नहीं पढ़े ये चीज बायोलॉजी के बच्चों का भी है कॉमन है बट uh, उनको अभी बुला ले तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो उनके क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चीज करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग रखते हैं तो ये क्या है ना स्ट्रक्चर ऑफ साइंस स्ट्रक्चर ऑफ साइंस साइंस में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर एंड सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर तो सिंटैक्टिक मतलब क्या है हमेशा लर्निंग टू फेजेस में होता लर्निंग इज टू फेज प्रोसेस या टू फेज स्टेप्स तो अभी टू फेज स्टेप्स बोलो या टू फेज रियक्शन बोलो कुछ भी बोलो यहाँ पे जो टू फेजेस है फर्स्ट फेज होता है फेज होता होता है है प्रोसेस सेकंड प्रोडक्ट एक में आप काम करते हो दूसरे में आप प्रोडक्ट निकालते हो तो सिंटैक्टिक सिंटेटिक तो ये दो चीज को यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से पूरा क्लियर करना है एंड ये बुक से ही पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है अभी देखो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा बताओ वन लास्ट लास्ट से उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये और नो वैल्यूज ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस वैल्यूज याद करो वैल्यूज याद करो वैल्यूज पढ़ा है इंटेलेक्चुअल वैल्यू सोशल वैल्यू पढ़ा हुआ है वही चीज है वैल्यूज ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस वन पॉइंट फोर क्या है देखो वन पॉइंट फोर है को रिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विथ मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस सोशल स्टडीज लैंग्वेज फाइन आर्ट्स एनवायरमेंट हेल्थ डेवलपमेंट पीस एंड इक्विटी मतलब सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसका रिलेशन क्या है वो पूछ रहे हैं ठीक को रिलेशन दैट इज अ रिलेशन मतलब को मतलब क्या होता है जस्ट लाइक को वर्कर हम बोलते हैं हमारे साथ जुड़ा हुआ है लिंक्ड है कनेक्टेड है वैसा तो को रिलेशन ऑफ द फिजिकल साइंसेज विद द मैथमेटिक्स उसका रिलेशन क्या है किस में हेल्प करता है मैथमेटिक्स में कैसे हेल्प करता है बायोलॉजिकल साइंस में कैसे हेल्प करता है सोशल स्टडीज में लैंग्वेज में फाइन आर्ट्स एनवायरमेंट हेल्थ डेवलपमेंट पीस एंड इक्विटी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिस्ट्री फ्रॉम टेन सिक्स टू टेन क्लास ये नहीं चाहिए इसलिए ये क्रॉस किया गया है ठीक है ये क्रॉस्ड है समझ आया अभी बोलो कौन सा इजी होगा आप लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चन इजी है 1.2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना पड़ता है अदरवाइज 1.1 से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में 1.1 से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको वैल्यूज ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस से क्वेश्चन मिलेगा एंड को रिलेशन से भी क्वेश्चन मिलेगा अब बोलोगे मैम क्या वन छोड़ दे नहीं वन को छोड़ो मत छोड़ो को शॉर्टली प्रिपेयर करना वन को शॉर्टली प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा ठीक है आपके सीटेट के लिए भी काम में आएगा अभी देखो सेकंड यूनिट पे मार्क करते हुए चलना जो चीज इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसी चीज को पढ़ो ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ साइंस अच्छा फर्स्ट फर्स्ट से वन पॉइंट वन लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है वन पॉइंट थ्री शॉर्ट क्वेश्चन है को भी शॉर्टली प्रिपेयर करना है क्योंकि के जो मेटेरियल है या फिर उसका जो थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट लिखने वाले हैं उससे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो मार्क फेचिंग नहीं है तो इसलिए आप क्या करोगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको राउंड करियु एंड वन पॉइंट फोर ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाकी दोनों को शॉर्टली प्रिपेयर करेंगे एसक्यूज एसक्यू ठीक है शॉर्टली प्रिपेयर करेंगे हो गया एसक्यूज ए बन गए ये लॉन्ग एल क्यू एल क्यू ठीक है ओके okay, चलो ये फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट किया 1.5 को नहीं करना है कोई नहीं करेगा 1.5 आता ही नहीं है ठीक है उसके और में क्वेश्चन मिलेगा 1.5 का अच्छा ही नहीं है क्वेश्चन तो उसको छोड़ देना ठीक है यूनिट टू में आ जाओ अभी देखो Unit 2 में आपको क्यों मैं डिस्कशन करती हूं, ये होता है क्योंकि आप लोग सेम टाइप के आंसर्स को पता नहीं कर सकते इसलिए आप लोगों का होता है लोग मैम हम मैक्सिमम बच्चे तो कर लेते हैं कुछ कुछ होते हैं स्टूडेंट जो जिनको आइडिया नहीं मिल पाता इसलिए मतलब होता है हमारा क्या चीज है कंसेप्ट है जो डे बाय डे मिला है या इन्वेंट हुआ है फिजिकल साइंस के कंसेप्ट में तो माइल मतलब यहाँ पे आप मान लो कि ये जो दो क्वेश्चन है ठीक है ये दो जो क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज कलर चेंज करते हैं आपको समझ आएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन था टू पॉइंट वन देन सेकेंड क्वेश्चन आया टू पॉइंट टू एंड टू पॉइंट थ्री तो ये तीनों को मिला के एक क्वेश्चन का आंसर बनाना तीनों को मिला के एक आंसर बनाओगे कैसे बनाना है आज बता दूंगे ठीके? तीनों को मिला के एक आंसर बनाओगे इसका नोट्स बना लेना इसका नोट्स बना लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको हेल्प करेगा ठीक है यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिख भी दी हूँ कि क्या करना है माइलस्टोन मतलब क्या है कि कैसा प्रोग्रेस फॉर फिजिकल साइंस का कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया कि रोल किन किन का था किसने क्या आ, इन्वेंट किया है उस मतलब वही है सेम तो, तो आप तीनों के क्वेश्चन में उसको लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वन लॉन्ग क्वेश्चन याद रहा तो यहाँ पे माइल स्टोन में क्या लिखना है फिजिकल साइंस क्या है डेफिनेशन मीनिंग कंसर्न कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कम्पल्सरी It is compulsory. These are compulsory. ठीक है क्या क्या लिखोगे लिख के रख लो प्लीज नोट डाउन करके रखो ये तीनों क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए तो आपको क्या लिखना है फर्स्ट ऑफ फिजिकल साइंस का इंट्रो देंगे then definition, then meaning, characteristics. Characteristics. हो गया हो गया अभी उसके बाद माइलस्टोन्स को ऐड करोगे दैट मीन्स फिजिकल साइंस में किसने क्या बोला था हमारा जो न्यूटॉन है उन्होंने क्या बोला या फिर हमारे जो कोई भी

ऑफ वेस्टर्न साइट्स उनके बारे में हमें लिखना है एंड मतलब ओनली है एंड उनका जो स्टेटस है टेक्नोलॉजी फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट जो हुआ या जब हुआ वो कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है उतना पॉइंट को ऐड करना है तो so, ये तीन क्वेश्चन बन जाएगा ये तीन क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ठीक है एक आंसर बनाना है एंड हो सके तो अगर आज बना सकते हो तो बना लो कल सुबह तक बना लो के स्टूडेंट्स मुझे चेक करवा देना ठीक है अगर सोच रहे हो कि फटाफट फड़ करना है कंप्लीट तो फिजिकल साइंस वाले बच्चों को बोल रही रू ये जो है इसको मैं बता दूंगी कैसे लिखना है बस लिख के लाओगे मुझे कल चेक करवा दोगे ठीक है और बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे चेक करवाना पीडीएफ बना के दे देना मैं चेक कर लूंगी ठीक है कुछ नहीं बस अरेंजमेंट देखना है देख के ही लिखना है आपको अभी देखो में क्या है बताओ फिजिकल साइंस लाइफ फिजिकल साइंस एंड क्या क्या यहाँ पे लिखना पड़ता है और एक क्वेश्चन देखो Rational inspiring students to study physical science. बच्चों को कैसे आप help कर रहे हो या फिर बच्चों में कैसे आप प्रोमोशन कर रहे हो फिजिकल साइंस स्टडी का क्यों बच्चे पढ़े ठीक है तो आप ये दोनों का जो आंसर रहेगा एट ए टाइम आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो एंड उसमें भी वन पॉइंट फोर का आंसर हो जाएगा बताओ, में क्या आंसर था क्या क्वेश्चन था बता दो में क्या रिलेशन था? था ना को रिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट ओके तो इतना जब याद रखे हो मतलब ये भी हो जाएगा देखो फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ फिजिकल साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कनेक्टेड है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ एंड उसी का ही इम्प्रोवाइजेशन किस में देखने को मिलता है ह्यूमन में देखने को मिलता है तो वो चीज है ये ना कॉमन रहता है फिजिकल साइंस जो है बायोलॉजिकल साइंस में भी वही यूज करोगे मैथमेटिकल साइंस में भी सेम ही यूज करोगे सिर्फ आपका मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम होगा पता है मैथमेटिक्स में जो पर्सनस हैं लाइक इंडियन साइंटिस्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा वहां पे देख लेना आर्यभट्ट होंगे रामानुजन होंगे और भी बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने मैथ्स के ऊपर दिया था अच्छा बोलो फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स है ना जीरो का इन्वेंशन कौन किया जीरो का इन्वेंशन कौन किया कॉमन क्वेश्चन है बोलो अभी जीरो का इन्वेंशन कौन किया है कोई एक बोल लो आर्यवर्ट वेरी वे गुड वेरी गुड so, सो ये चीज है बस हमें जानना है कैसा लिखना है बेस सेम रहेगा कंसेप्ट सेम रहेगा ओनली आपको चेंज करना है छोटा छोटा पॉइंट्स जो है उसको चेंज करना है मैथ्स का भी हो जाएगा था अब देखो हो गया तो टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव के लिए आप एट ए टाइम मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है साइड में वन पॉइंट फोर है समझ के मार्क करके रखो देन आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा पढ़ना नहीं पड़ेगा एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा एंड प्रीवियस थ्री से बच्चे इसी टाइप में ही पढ़ रहे हैं एंड मार्क्स आ जाएगा डोंट वरी कि मैम को कुछ नहीं आता है ऐसे ज्वाइन कर दे रही ऐसा नहीं है आप लोग अंदर में कंसेप्ट एक एक पढ़ोगे ना पता चलेगा कि सेम ही है तो सेम सेम पॉइंट से बोल के कंबाइन कर दिया ठीक है चलो आगे चलता है यूनिट थ्री में देख लो अभी देखो यूनिट थ्री में कल पढ़ चुके हैं ये नो पढ़ चुके हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं नॉलेज एम इंटेलेक्चुअल एम सोशल एम पढ़े हो कि नहीं कल के क्लास में ये सुनो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कल के क्लास में नहीं उससे प्रीवियस क्लास में एंड डिफरेंस भी हम लोग ने पढ़ लिया है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस भी पढ़ लिया है अगर नहीं पढ़े हो वीडियोस हैं पढ़ लेना ठीक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये कम्प्लीट हो चुका है ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है कम्प्लीटेड है

इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस ठीक है बिहेवियरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस कॉम्पिटेंसीज फॉर टीचिंग फिजिकल साइंस ठीक है ये क्वेश्चन को छोड़ के ये जो बीच का दो क्वेश्चन है ना ये दो क्वेश्चन है ये अगर देखोगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है बट एट ए टाइम जब करोगी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है ब्लूम स्ट्रक्सनोमिक

फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए क्या क्या मैथड्स यूज करोगे या कौन सा प्रोसेस में पढ़ाओगे सिर्फ words change हुआ है otherwise answer हुआ. Answer है 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 आप लोग जानते हो हो पढ़ भी चुके बोलोगे इसमें से कौन सा ठीक ये दोनों को कंबाइन करें तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा एंड द लास्ट वन शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है हो गया यूनिट फोर देख लो यूनिट फोर देखो मैथड्स पढ़े हैं ये सुनो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल साइंस मैथ्स पढ़े हो ये शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ्स पढ़ लिए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है देखो फोर पॉइंट टू आ गया टीचर सेंटर्ड मैथड बोलो लेक्चर मैथड पढ़ चुके लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन पढ़ लिए ओनली यहाँ पे एक चीज है हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल हम लोगों ने नहीं पढ़ा है जो हिस्टोरिकल हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है हिस्टोरिकल हम लोग पढ़ लेंगे बाद में हम लोग पढ़ लेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो ये कंप्लीट अगर आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन है अभी बोलो लेबोरेटरी लेबोरेटरी वाला भी पढ़ा दिया प्रोजेक्ट वाला भी पढ़ा दिया पढ़ाया है साइंटिफिक पढ़ा दिया तो ये इसका मतलब हो गया छोटा छोटा पार्ट करके सारे short questions है सारे शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक पॉइंट ह्यूराइस्टिक एक शॉर्ट प्रोजेक्ट एक शॉर्ट साइंटिफिक एक शॉर्ट लेबोरेटरी एक शॉर्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है अभी ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है जो कि मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को ठीक है ब्रेन यस बोलो 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 छोटा छोटा करेंगे ना छोटा छोटा करेंगे देखो वहां पे ना मैथड्स में ऑलरेडी मेंशन होगा कुछ टॉपिक का नाम ठीक है मैथड्स में ऑलरेडी कुछ टॉपिक का नाम या कुछ मैथड्स का नाम मेंशन होगा ईट मेंशन नहीं होता है तो कौन सा कौन सा मैथड्स को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे मैथड को देंगे टीम टीचिंग को देंगे एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को देंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को देंगे एंड और एक क्या है आपका रुको एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो आपका है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो मेथड है उसको दोगे एंड प्रोजेक्ट मेथड को दोगे ज्यादा कुछ नहीं ये आ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग है ठीक है प्रोजेक्ट मेथड प्रैक्टिकल मेथड प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटेशन मेथड को ही प्रैक्टिकल मेथड बोलते हैं और उसी को ही लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होना है एक मेथड का डिफरेंट नेम होता है डिफरेंट नेम होता है तो उस अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मेथड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड और लेबोरेटरी मेथड सेम है होता है Project method यहाँ पे भी mention किया था सो so, ये जो चार पांच मैथड बोल रही हूँ ये चार पांच मैथड को मैंने पढ़ाया हुआ है ठीक है एट ए टाइम कैसे लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैथड को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उससे पहले वट डू यू मीन बाय मैथड मैथड क्या होता है उसे लिखो Method is useful for the teaching because individual differences are there and students are not equal as per their as per their interest of subject or as per their attitude or aptitude. So we need some methods to explain the physical uh, science topics. And most probably we use the particular method as per their classes. ठीक है मैथड को कब हम एक्सप्लेन करते हैं या मैथड्स को कब यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन में जब क्लासेस मेंशन हो क्या क्लास वन टू के बच्चों को हम लेक्चर मैथड दे सकते हैं नहीं सो so दैट यहाँ पे मेंशन होगा कि जैसा क्लास होता है जिस क्लास को पढ़ाना होता है उस अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है मैथड सिलेक्ट करता है हायर सेकेंडरीज और सेकेंडरीज में हम लोग ये मैथड्स को यूज करते हैं इतना मैंशन कर दिया

ठीक है तो ये आपका हो गया demonstration. Lecturing method क्या होता है then it प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक तो ये method हो गया थोड़ा सा method का एक्सप्लेनेशन दोगे उसका इंपॉर्टेंस मतलब मेरिट डिमेरिट्स इतना देंगे मतलब एक एक method एक एक पेज होना चाहिए एक एक मैथड एक एक पेज होना चाहिए बच्चे आप लोगों का भी सेम है तो सुन के रखो आप लोगों का भी काम आएगा ठीक है? Methods, ऐसे हैं, ठीक है? Clear है? ऐसे टॉपिक एंड आफ्टर दैट मेंशन द इंडेक्स पोर्शन देन राइट द कंसेप्ट एंड डिटेलिंग अबाउट द मैकेनिज्म एंड आफ्टर दैट द कंक्लूजन पार्ट विद ब्यूटिफुल पिक्चर्स

ठीक है प्रिकॉशंस के साथ काम करना पड़ता है अगर लैंग्वेज लेबोरेटरी देखोगे तो वहां पर प्रिकॉशन ले नहीं लेना पड़ता बट यहाँ पे जब हम फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल साइंस के लेबोरेटरी uh, में काम करते हैं तो वी नीड सम प्रिकॉशंस तो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है तो ऐसे करके सारे मैथड्स के ऊपर लिखना है होगा एंड उसका मेरिट डिमेरिट देना है इतना करोगे हो जाएगा एग्जैक्टली पांच मेथड को चूज करना है पांच मेथड के अकॉर्डिंग करोगे ज्यादा नहीं करना अगर मेंशन नहीं है तब पांच मैथड को चूज करके लिख लोगे। एंड एक एक मैथड एक एक पेज का होगा, हो जाएगा। कंप्लीट हुआ? ये सुनो बोल दो। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हो गया अभी देखो और एक है यहाँ पे देखो ब्रेन स्ट्रोमिंग ठीक है ब्रेन स्ट्रोमिंग वर्ड मैं बोलते जा रही हूँ एंड उसके साथ समझाते जा रही हूँ बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं समझाते जा रही हूँ तो ब्रेन स्टोमिंग क्या होता है ब्रेन मतलब दिमाग हो गया मतलब तूफान तूफान कहाँ आएगा ब्रेन में आएगा याद कैसे रखोगे जब आप बहुत गहरा सोचते हो डीपली किसी चीज के ऊपर थॉट रखते हो या आइडियाज निकालते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं वैसे ही सोच लो आप एक कॉन्सेप्ट को सोल्व uh, करना चाहते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो एंड यू नीड योर नीड फ्रेंड सेल्फ ठीक है आप क्या नीड करते हो नीड योर फ्रेंड सेल्फ तो आप बच्चों का हेल्प ले रहे हो या अपने दोस्तों का हेल्प ले रहे हो तो उस टाइम पे वो भी सोच रहे यस थिंकिंग हम लोग सबको तो एक रूम में बैठ जाओ एंड uh, मैं आपको कुछ टॉपिक देती हूँ एंड आपको फाइव टू टेन मिनट्स दिया जाएगा उसके बारे में सोचो एंड न्यू आइडिया जेनरेट करो जेनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज कैसे बच्चे अपना अपना देंगे बट एट द लास्ट मोमेंट इस आइडियाज को कंबाइन करके एक न्यू निकाला जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टोमिंग देर आर टू टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल वन एंड सेकेंड वन इज कंप्यूटेशनल जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया एंड मॉडर्न ये अभी का मॉडर्न है सपोज uh, अगर ट्रेडिशनल वन में चलते तो आपके पास क्या रहेगा एज ए टीचर आपको एक नोटबुक पकड़ना है या फिर आपको एक uh, चार्ट पेपर लेना है एंड uh, बच्चों को पहले टॉपिक दे देना है एंड बच्चे एक रूम में बैठ के टॉपिक का डिस्कशन करके आइडियाज निकालेंगे अभी आप जाओगे एंड एक एक बच्चे को आइडियाज पूछोगे एंड आइडियाज को लिख के रखोगे तो दिमाग में आइडियाज का तूफान चल रहा है इसलिए इसको ब्रेन स्ट्रोमिंग बोल अगर पेपर पेन यूज होता है बाय टीचर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और आइडियाज रिगार्डिंग टू ए टॉपिक देन इट इज कॉल द ट्रेडिशनल वन अगर मैं बोलूँ इसको आप कंप्यूटेशनल या या फिर computer वेस्ट, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करो तो यहां पे क्या यूज होगा कंप्यूटर और लैपटॉप ठीक है इतना ही चीज है इतना चीज है ब्रेन है टीम टीचिंग ग्रुप में वर्क करना ग्रुप में वर्क करना सपोज uh, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ आप केमिस्ट्री के टीचर हैं या फिजिकल साइंस के टीचर हैं बट हमें एक क्लास के लिए एक साथ मिलकर काम करना है एक क्लास के बच्चों को हैंडल करना है सो so दैट मिल काम करना है सो so, सपोज कुछ टॉपिक्स को मैंने समझा दिया एंड uh, उसके बाद का जो प्रोसेस है आप कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज हो गया टीम टीचिंग टीम में काम करना मॉडल ऑफ टीचिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज है ये दोनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट आता है एंड ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में भी आता है तो कंसेप्ट ऑफ और एटेंडिंग मॉडल एंड इंक्वेरी ट्रेनिंग मॉडल दो मॉडल्स हैं दो मॉडल्स हैं एंड दोनों मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दोनों मॉडल ही इम्पोर्टेंट बहुत डिफिकल्ट भी होता है यहाँ पे समझाया जाता है कि एक पर्सन को आप जब पढ़ा रहे हो एज टीचर उनको आप कंसेप्ट बता रहे हो तो देन तो तो वो पर्सन कंसेप्ट को कैसे लेता है कैसे रिसीव करता है कैसे उसके स्ट्रक्चर को समझता है उसके नॉलेज को लेता है उसका मीनिंग को समझता है तो ये पूरा मॉडल उसी बेस्ड है ठीक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ऊपर का दो शॉर्ट क्वेश्चन है दिज आर शॉर्ट क्वेश्चंस बट दिस वन इज लॉन्ग क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है कंसेप्ट क्री मॉडल एंड मॉडल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है अभी देखो ये चीज भी पढ़ चुके हैं एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है अगेन माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग देखो माइक्रो टीचिंग में कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है आपको दो दो पीडीएफ मिले थे ठीक है विद एक्सम्पल्स और एक पीडीएफ मिला था तीन पीडीएफ के थ्रू एक कंप्लीट किया गया था कंसेप्ट मीनिंग स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग मेंशन है मतलब इसके विद इन सारे स्किल्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको एट स्किल्स बताए हुए हैं एट स्किल्स बताए हुए हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आंसरिंग स्किल क्वेश्चन प्रूविंग स्किल ब्लैक बोर्ड

ये टॉपिक, इसलिए दे दूंगी ये आपको पढ़ा दूंगी अभी यूनिट फाइव में आ जाओ यूनिट फाइव में आ जाओ ये चीज भी पूरा कम्पलीटेड है देखो यहाँ पे कम्प्लीटेड इसलिए है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग दैट मीन लेसन प्लान लेसन प्लान उसका यूज

शॉर्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट प्लान ये शॉर्ट है ये भी शॉर्ट है ईयर प्लान और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर और एक नहीं दो लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है दो लॉन्ग क्वेश्चन है टीचिंग स्ट्रेटेजीज एक लॉन्ग क्वेश्चन है टीचिंग स्ट्रेटेजीज एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड सीसीई मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है सीसीई मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन तो मतलब, है सीसी कंटिन्यूसेंसिवेशन जो आपको यूनिट फाइव पूरा कंप्लीट है यूनिट थ्री का एक टॉपिक बचा हुआ यहाँ से यूनिट सॉरी यूनिट फोर का एक टॉपिक है यूनिट थ्री भी पूरा कंप्लीटेड है एंड इसको एट ए टाइम आपको पढ़ना है ठीक है और यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है दैट इज वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू बाकी का कंप्लीट हो गया मतलब तीन से चार टॉपिक बाकी है फिजिकल साइंस का ओवर हो जाएगा क्लियर है डाउट क्लियर हुआ सारा एलक्यूज एसक्यूज लिखिए